नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन पहले छत्तीसगढ़ गए थे और ढेर सारी सौगातें देकर के आए थे। मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह देव थे। जब बोलने की बारी आई प्रधानमंत्री का, उन्होंने स्वागत किया था और फिर जो है शान में कसीदे गढ़े थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को कुछ और ही लगता है। यद्यपि वो मंच पर नहीं थे, लेकिन पीएम के लौट के आने के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनने लायक है। वो कह रहे हैं कि पीएम तो आए थे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। सुनिए जरा बघेल साहब क्या कह रहे हैं। मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए। जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। गोबर गौठान के बारे में बात उन्होंने की, 265 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, अब 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, है ना? तो इनका अब विभिन्न मंचों में खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं, नीति आयोग में तारीफ कर चुके हैं, उस बैठक में तारीफ की, हम लोग सारे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये आरोप लगाने के अलावा क्या है? अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं कितने यात्री उसमें चढ़ेंगे भाई? ये सब वो अडानी के लिए सब करने आए, उसकी खदान के लिए प्लान भी खरीदेंगे, खदान भी खरीदेंगे। वो ACCL का खदान दिया ना अभी उसी रायगढ़ जिले में गारेपेल में वही तो दिए हैं। तो ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हैं और झूठ बोल के जाए, ये तो आश्चर्य की बात। और अब सुनिए कि टीएस सिंहदेव ने मंच पर क्या कहा था पीएम मोदी के लिए और कैसे पीएम मोदी ने जोड़ लिए थे हाथ। ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सुना आपने, दोनों जो बोल रहे हैं एकदम विपरीत बोल रहे हैं। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अभी तक उनके अनुभव में ऐसा कुछ नहीं आया कि छत्तीसगढ़ को कोई चीज़ देनी हो और उसमें भेदभाव किया गया हो। और भूपेश बघेल कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, अडानी के लिए आए थे। इसे ही तो कहते हैं राजनीति। जहाँ जो चीज़ फिट बैठे वहीं फिट कर दीजिए। हो सकता है कि मंच पर भूपेश बघेल होते तो ये बात नहीं बोल पाते, लेकिन जब वो मंच पर नहीं है, पीएम मोदी की आलोचना करनी है, तो वो ये बात बोल रहे हैं। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।